और इस तरह जहनी बीमारियां हैं, अंदर की तंगी से होते हैं जहनी बीमारियां बहुत सी आते हैं, और इस जहनी बीमारियों के लिए हम क्या करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे। प्रोग्राम के हर वक्त अख्तिताम पे मैं आपको मेडिटेशन कराता हूँ और आपको ले जाता हूँ एक ऐसी तस्वुराती दुनिया में, एक ऐसी खूबसूरत दुनिया में जिससे आप यकीनन सुकून महसूस करते हैं। और बहुत से लोगों ने कॉल किए हैं, ईमेल किए हैं हमें, और बहुत से लोगों ने लेटर भेजे हमें कि बहुत एक अच्छा है कि हम प्रोग्राम के दौरान आपके साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं, और ये कभी हमने ऐसा देखा ही नहीं, और इस तरह के हमने कभी इस तरह मज़े से और इस तरह अच्छी तरीके से कभी हमें किसी ने गाइड नहीं किया। बल्कि कुछ लोग हैं कि हमने तो कई कई ऐसे बुक्स पढ़ी है, कुछ लोगों से एक्सरसाइज करवाई है, मेडिटेशन करवाई, लेकिन ऐसी मेडिटेशन जिसमें आपका मेडिटेशन है बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छी तरीके से हम, बल्कि प्रोग्राम के बाद कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन के फ़ायदों का पता है कि मैंने आपको आगाह किया है मेडिटेशन के फ़ायदों का, क्योंकि मैंने खुद अपने आप पे आजमाए हैं और मैंने खुद देखे हैं, महसूस किए इसके फ़ायदे को, कि इसको आपको माइंड को कंट्रोल करते हैं, आपकी सलाहितों को बैलेंस करते हैं, और बल्कि रूहानी दुनिया आपको दिखाते हैं, रूहानी सलाहितों को भी हासिल कर लेते हैं। और मेडिटेशन तमाम बुजुर्गान दीन ने भी की है और इसे पसंद किए हैं, और ये एक इबादत भी है और हमारी जहनी सलाहितों को भी बढ़ा देता है। सुकून एक सुई होती है और डिप्रेशन, टेंशन, खौफ, बेजा खौफ, इस तरह बीमारियों से निजात दिलाते हैं। और उसके अलावा हमारे पावर को, कमर को और तमाम बैलेंसिंग लाता है, स्टेमिना बढ़ा देते हैं। और मेडिटेशन के और बहुत से फ़ायदे हैं जो आपकी जहनी सलाहितों के अलावा आपके रूह को सुकून देते हैं, कल्बी सुकून देते हैं आपको, और इत्मीनान होता है, इंसान रिलैक्स होते हैं हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए तरोताज़ा होते हैं, और जहन काम करना शुरू कर देते हैं, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देते हैं, आसबी रिशों को ताज़गी देते हैं, और आसाब में जो एक तरह के इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं उसको मुनज़म करते हैं, और कंसंट्रेशन के पावर को बहुत बढ़ा देते हैं। तो आपके पसंद के साथ साथ जो आपने खुद पसंद किए इस चीज़ को, और आपने बहुत हमें तशवीक किए हैं कि आप साथ साथ मेडिटेशन प्लीज़ कराया करें, तो मैं आपके लिए ये दोबारा मैं प्रोग्राम के अख्तिताम से पहले मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा। और आज आपको किसी ऐसे प्लेस पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर एक मुकद्दस प्लेस होगा, और वहाँ पर आप रूहानी क़ुव्वतों को हासिल करेंगे, ताकतों को हासिल करेंगे, और अल्लाह के नूर का तसव्वुर करेंगे, और अल्लाह का नूर आप पर बरसता हुआ मे भी आप महसूस करें। तो तसव्वुर से ही मिलता है और अमल से ही मिलता है, और अल्लाह को पाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज, कुछ इबादत, कुछ भी हो, ये एक्सरसाइज भी एक इबादत है। ये एक्सरसाइज जो आज हमने की है ये भी एक इबादत भी है, और आप अपने सेहत का ख्याल रखते हैं ये भी एक इबादत है। आप किसी भी चीज़ को इबादत में लें, कोई भी चीज़, कोई भी काम आप मेडिटेशन समझ लें, अपनी कारकर्दगी रोज़ाना को आप मेडिटेशन समझ लें, उसमें खो जाओ, उस काम को सही तरीके से कर लो, जिससे आपके टेंशन भी ख़त्म हो जाते हैं, डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाते हैं, बहुत से काम जब होता है तो कल भी सुकून मिलते हैं। सही तरीके से अपना काम निभाओ, चुस्त रहो और तरोताज़ा रहो, जल्दी सो जाए, जल्दी उठ जाए सुबह, और फ्रेश हवा में, फ्रेश एयर में एक्सरसाइज करें, और अपना फिटनेस का ख्याल रखें, अपने आप को फिट रखें, खूबसूरत नजर आए। और कभी कभी तो लोग बहुत अपने आप को बनाता है, मेकअप करते हैं या फिर बहुत से अच्छे अच्छे लिबास पहनते हैं, लेकिन
उसमें अच्छा नज़र नहीं आता है। अगर आप स्मार्ट है, फिट है, तो आप पर सस्ती तरीन कपड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह आपके अंदर है, आपके अंदर अगर साफ है तो वे आपके मुंह से लफ्ज़ निकलते हुए अच्छा लगता है लोगों पे, आपको देखते हुए अच्छा लगता है लोगों को, आपसे बात करते हुए, आपसे बैठते हुए, गुफ्तगू करते हुए, आपसे दोस्ती करते हुए लोगों को अच्छा लगता है। और चीज़ याद रखें, बशर है इंसान, उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, आपके गिर जोलों के सबसे प्यार करें, मोहब्बत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी में इन कर दें, और हज़ारों दोस्तों के हज़ारों दोस्त बनाएं, लेकिन दोस्ती हमेशा सही तरीके से निभाएं। और ऐसे लोगों को अल्लाह को पसंद होते हैं और अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो कि इंसान बशर से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, और अपने खुदगर्ज़ी की खातर दूसरों को तंग नहीं करते हैं, दूसरों को अज़ियत नहीं देते हैं। उसे कहते हैं मेडिटेशन, उसे कहते हैं अल्लाह को पाना। लेकिन साथ साथ हर इबादत के साथ साथ आप यही अपनाएं, झूठ ना बोले, और अपने हलाल रोज़े कमाने के इंतहाई कोशिश करें, और अपने बॉडी को हलाल रखें, अपने औलाद और अपने इर्द गिर्द को हराम ना खिलाएं, ताकि आपके इर्द गिर्द पूरा की पूरा हराम ना हो जाए। इसलिए हमारे वजूद को कल्बी सुकून मिलने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, आपके पास सच्चाई हो, वही काफ़ी होती है, और वही मेडिटेशन भी है, वही इबादत है। आपकी सच्चाई इंसानों को आपके पास ले आता है, जो आपकी तरह अच्छे हैं, और वही ताकत अल्लाह से मिला लेते हैं। तो दोस्तों, आए मराकबा कर लें, और अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, और अब हम मिलके मेडिटेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। आंखें बंद कर ले और कमर गर्दन सीधा हो, अपने अंदर की दुनिया में झांक के, और फिर अंदर की दुनिया से हम बाहर जाएंगे और किसी एक खूबसूरत प्लेस में जाएंगे, किसी एक खूबसूरत दुनिया में, एक मुकद्दस प्लेस में जाएंगे। तो आंखें बंद कर लें और कमर गर्दन सीधा हो, रिलैक्स हालत में तसव्वुर करें, सर से पूरा रीढ़ की हड्डी में ट्रैवल करें, अपने मन में डूब जाएं, और ट्रैवल करें, इनर ट्रैवल जिसे कहते हैं, अपने खुदा दादी सलाहितों में जो अल्लाह ने आपको दी हुई है, एनर्जी सेंटर्स है, इसमें सफ़र करें, अपने सोच को, तमरकुज़ फिक्र को सर से पूरे बॉडी में ट्रैवल करें, रीढ़ की हड्डी में, और रीढ़ की हड्डी से फिर कल्ब को आए, और देखें अपने कल्बी दुनिया को, और फिर अपने रूह में उतर जाएं, और रूह को देखें,
आपके रूह में क्या दुनिया बसी हुई है, दुनिया से बाहर आए, बाहर की दुनिया में ट्रेवल करें और किसी मुकद्दस जगह पे जाएं जहां पर सुपरनेचुरल पावर्स हैं, जहां पर ताकत है, जहाँ पर दूसरे अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, दूसरे अच्छे लोग बैठे हुए हैं और आप उसके साथ इस मुकद्दस प्लेस में बैठकर अल्लाह के नूर का तसव्वुर करें और अल्लाह का नूर बरसता हुआ अपने ऊपर महसूस करें और इस हालत में जितना देर हो सके बैठे रहें।